कहानी है सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग के बीच की। लेकिन पहले आपको बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। दोनों के बीच बहुत अच्छा रिश्ता है, दोनों काफी घुल मिलकर रहते आए हैं। और अगर आप वीरेंद्र सहवाग को कभी बातचीत करते हुए सुनेंगे और सचिन तेंदुलकर की बात आती है तो वो हमेशा कहते हैं कि वो भगवान हैं क्रिकेट के, वो उन्हें भगवान जी ही कहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप देखें तो। और दोनों की जो ओपनिंग जोड़ी थी वो कितनी कामयाब हुई थी, जो लोग भी उस वक्त क्रिकेट देखते थे वो सभी जानते हैं कि दोनों के बीच क्या रिश्ता था। लेकिन रिश्ता तो 2003 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच जो मुकाबला हुआ था उसमें भी इन दोनों के बीच कुछ हुआ था, आज वो बताऊंगा। हालांकि अगर 2003 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के मैच को याद किया जाता है तो शोएब अख्तर की गेंद पर सचिन तेंदुलकर ने जो छक्का मारा था उसे सबसे पहले याद किया जाता है। लेकिन इस छक्के से पहले एक कहानी घटी थी, किसके किसके बीच में? सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग के बीच में। अक्सर देखा जाता था कि सचिन तेंदुलकर वनडे इंटरनेशनल में पारी की शुरुआत करने आते थे, लेकिन वो हमेशा नॉन स्ट्राइकर एंड पर रहना पसंद करते थे और स्ट्राइक जो है वो वीरेंद्र सहवाग लेते थे। मतलब पारी की पहली गेंद जो है वो वीरेंद्र सहवाग के खेलना होता था, तो ये बात होती थी। अब हुआ क्या कि 2003 वर्ल्ड कप में जो पाकिस्तान की टीम थी एक से एक धुरंधर गेंदबाज थे, वसीम अकरम, वकार यूनुस, शोएब अख्तर, तो धुरंधर गेंदबाज थे। और हो क्या रहा था कि उस वक्त जो है वीरेंद्र सहवाग को लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर को खेलने में परेशानी हो रही थी और उन्हें लग रहा था कि वसीम अकरम पाकिस्तानी पारी का पहला ओवर फेंकेंगे तो अगर स्ट्राइक लेना होगा तो इन्हें लेना होगा, तो ये स्ट्राइक लेना नहीं चाह रहे थे वीरेंद्र सहवाग। तो इसके लिए उन्होंने सचिन तेंदुलकर को अप्रोच किया और कहा कि ऐसा कीजिए कि आप पारी की पहली गेंद खेल लीजिएगा जब हम लोग बैटिंग के लिए आएंगे, ये फील्डिंग के वक्त की बात है। तो सचिन तेंदुलकर ने जो है बड़ा ही, मतलब उन्होंने कहा कि नहीं नहीं देखो मैं जो हूँ मैं नंबर टू पर ही बैटिंग करता हूँ, मैं नॉन स्ट्राइकर एंड पर ही रहूँगा। अब वीरेंद्र सहवाग सचिन तेंदुलकर को कन्विंस करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप पहली गेंद खेल लीजिए वसीम अकरम की, और सचिन बार बार कह रहे हैं कि नहीं। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि देखो मेरे पंडित जी ने कहा है कि मुझे नंबर टू पर ही बैटिंग करनी चाहिए, मैं स्ट्राइक नहीं लूंगा। दरअसल सचिन ने बाद में बताया कि मैंने भी सोच लिया था कि मैं वीरेंद्र सहवाग के साथ प्रैंक करूंगा, वीरू सबके साथ प्रैंक करता है तो इसके साथ भी होना चाहिए। तो फिर उसके बाद लंच होता है, लंच में सचिन तेंदुलकर बैठते हैं, एक आइसक्रीम का बड़ा बाउल लेते हैं, वो खा रहे होते हैं और अपने आप को कूल कर रहे होते हैं, कान में जो है वो एयरफोन लगाकर कोई म्यूजिक सुन रहे होते हैं। तभी जो है वीरेंद्र सहवाग फिर उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि पाजी ऐसा कीजिए ना आप पहली गेंद आज खेल लीजिए। तो सचिन तेंदुलकर क्या करते हैं कि अपने एयरफोन का एक तरफ से खोलते हैं और फिर उनके पीठ पर जो है एक स्लैप जैसा करते हैं और कहते हैं कि जाओ पैड करो, पहली गेंद मैं नहीं खेलने वाला, तुम्ही को खेलना होगा। फिर वीरेंद्र सहवाग को वहाँ जवाब नहीं मिलता, फिर वीरेंद्र सहवाग पैड करते हैं। जब फील्ड में दोनों ओपनिंग बैट्समैन भारत के अंदर आते हैं, सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग, तो वहां पर क्या होता है कि वीरेंद्र सहवाग जब 38 सर्कल के आसपास पहुंचते हैं तो फिर एक बार आखिरी कोशिश वो करते हैं और फिर सचिन तेंदुलकर से कहते हैं बाजी आज आप स्ट्राइक ले लो ना, वसीम अकरम बॉलिंग करेगा उधर से तो वो लेफ्ट आर्मर है और मेरा दिन अच्छा नहीं चल रहा, मैं आउट हो जाऊंगा। सचिन ने उनकी तरफ देखा और कहा नहीं नहीं मैं पहली गेंद नहीं खेलने वाला, मैं नॉन स्ट्राइकर एंड पर ही रहूंगा, और ये कहते हुए वे आगे बढ़ते हैं। और फिर वीरेंद्र सहवाग ने एक इंटरव्यू में कहा कि फिर मैं क्या देखता हूँ कि सचिन पाजी जो है वो आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं और जिधर विकेट कीपर खड़ा है उसी की तरफ जाते हैं, तब जाकर मेरी जान में जान आता है कि नहीं सचिन जो है पहली गेंद पर स्ट्राइक लेने जा रहे हैं। तो उन्होंने इतनी देर तक जो है वीरेंद्र सहवाग को खूब घुमाया, खूब छकाया और उन्हें परेशान किया। तो ये सचिन तेंदुलकर थे। एक बार सौरभ गांगुली ने भी कहा था कि सचिन का सेंस ऑफ ह्यूमर लाजवाब है। तो इस तरह की कई घटनाएं होती हैं और फिर देखिए उस मैच में सचिन जाते हैं, पहली गेंद का सामना करते हैं और होता क्या है, पहली गेंद पर सिंगल लेते हैं, अगली गेंद पर वीरेंद्र सहवाग वसीम अकरम के सामने।
तो ये एक कहानी है जो कि दिलचस्प कहानी है, मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ये पता भी हो। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।